लाल चौक कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में एक व्यापारिक केंद्र है, जिसका नाम मॉस्को रेड स्क्वायर में केंद्रीय बाजार के नाम पर रखा गया है। 1980 में बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने चौक के बीच घंटाघर को खड़ा किया। यह शुरू में श्रीनगर में बजाज के लिए एक विज्ञापन के रूप में काम करता था। आज लाल चौक और घंटाघर कश्मीरी राजनीति का नया प्रतीक बन गया है। श्रीनगर के लाल चौक का ऐतिहासिक महत्व सदियों से रहा है। यह चौक गवाह है भारत की आजादी का तथा पाकिस्तानियों के नापाक इरादों का। सन 1947 में पाकिस्तानी कबालियों तथा अलगाववादियों का मुकाबला करने के लिए यहाँ की आवाम ने इस चौक पर इकट्ठा होकर पाकिस्तानी कबालियों को उखाड़ फेंकने का दृढ़ निश्चय किया। यह चौक गवाह है पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती का तथा कश्मीरियों के प्रेम का। धीरे धीरे अलगाववादी ताकतों ने अपना वर्चस्व बढ़ाया तथा आसपास की मुस्लिम आवाम को धर्म के नाम पर पथभ्रष्ट किया, जिसके कारण यहाँ के लोगों के मन में खौफ पैदा करके पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की ओर यहाँ के लोगों का ध्यान भटकाया गया। ऐसे खराब हालात को देखकर सर्वप्रथम 1993 में आरएसएस और बीजेपी के प्रमुख नेता मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी तथा नरेंद्र मोदी आदि ने 26 जनवरी 1993 को इस ऐतिहासिक लाल चौक पर तिरंगा फहराने का साहस दिखाया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद आवाम को एक नई दिशा तथा नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले श्रीनगर के लाल चौक पर प्रतिष्ठित घंटाघर शुक्रवार 6 अगस्त 2021 को भारतीय तिरंगों के रंगों से जगमगा उठा। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रीय गान गायन के बीच दो कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में घंटाघर के ऊपर तिरंगा स्थापित करने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन लिफ्ट का उपयोग किया। लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना ऐतिहासिक था, क्योंकि इससे पहले 26 जनवरी को उस स्थान पर पाकिस्तानी झंडा फहराया गया था।